नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इंद्रपुरम में जो हमारी उपड़ी चल रही है उसमें करीब 21 से ज़्यादा डॉक्टर्स बैठते हैं जो अलग अलग चीज़ के माहिर हैं, जिसमें होम्योपैथिक भी है, गायनी भी है, फिजिशियन भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं। और आज उस कड़ी में एक और हमारे डॉक्टर साहब का योगदान मिलने जा रहा है गुरुद्वारा इंद्रपुरम को। इनका नाम है संस्कार त्यागी जी। मैं एज अ जनरल फिजिशियन 4 to 5 अवेलेबल रहूँगा यहाँ पे ट्यूसडे और संडे। ये ट्यूसडे और संडे को 4 से 5 गुरुद्वारा उपड़ी में बैठेंगे। आप लोगों से फिर मैं बोलता हूँ कि किसी को भी आपके आसपास, जरूरी नहीं आपको कोई दिक्कत है या परेशानी नहीं है, तो आपके आस पड़ोस में कहीं भी कोई दिक्कत है, आप गुरुद्वारा इंद्रपुरम ओपीडी में आइए। सुबह भी ओपीडी चलती है, अब शाम को भी ओपीडी चल रही है। ये सारा जो ओपीडी का जितना भी शेड्यूल है, जितने भी डॉक्टर्स को लाना और उनको उनकी सुविधा के अनुसार उनके टाइमिंग फिक्स करने, वो सारा ओपीडी का जो काम है हमारे शमशेर पति देख रहे हैं, उन्हीं की सुपरविजन में सारी ये ओपीडी चल रही हैं। और काफ़ी जो पेशेंट्स हैं, पहले करीब 50-60 आते थे, आज 100 के आसपास पेशेंट आने लग पड़े हैं। सुबह आप देखोगे तो पैर रखने की जगह नहीं होती। ये बहुत गर्व की बात है हमारे गुरुद्वारा इंद्रपुरम के लिए कि हम मानवता की सेवाओं के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें लोग दूर दूर से हमारे गुरुद्वारा जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। मैं आपसे फिर बताता हूँ टाइम, ट्यूसडे और संडे 4 से 5 डॉक्टर संस्कार त्यागी, जो हमारे यही इंद्रपुरम के ही हैं, तो यही इन्होंने सोचा कि सेवा करने के लिए, अभी MBBS के लिए फिजिशियन है, ये अपनी सेवाएं देंगे। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मैं आपका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं गुरुद्वारे में जा रही हूँ, बेटे को सम्मान दिया जा रहा है, आपको वहाँ दिखाऊंगी। लेकिन बेटा नहीं जा रहा है क्योंकि वो कोचिंग गया हुआ है और वो कह रहा था कि मम्मी तुम चली जाओ, तो मैं जा रही हूँ और आपको वहाँ का गुरुद्वारे का दिखाऊंगी। आज पूर्णमासी भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एकत्रित हुए हैं, काफ़ी भीड़ भी है, आपको दिखाऊंगी। चलो चलते, और ये मेरा लुक है, आज मैंने सूट पहना हुआ है, ये चलते हैं। और गाइज हम पहुंच गए हैं और मेरी बेटी तन्नो ही मुझे स्कूटी पे छोड़ के चली आई थी। और देखो बास में ही है, इंद्रपुरम में ही है ये गुरुद्वारा, बहुत बड़ा है और इसने कोरोना में भी बहुत लोगों की हेल्प करी थी। गुरुद्वारे में बहुत लोगों की हेल्प हुई और ऑक्सीजन वगैरह की खूब मतलब सेवाएं होती हैं इस गुरुद्वारे में। जिसके मतलब पास नहीं होता है पैसा तो वहां जाके ये सेवा ले सकते हैं। और देखिए जरा हम आ गए हैं और कितना अच्छा लगता है कि ये मतलब शुरू से ही बच्चों को और अब सिखाते हैं कि सेवा भाव बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो अपनी चप्पलों को ले रही थी, पॉलिथीन में रख रही थी और फिर वो दे भी रही थी सब, मतलब अच्छे बड़े बड़े, ये नहीं है कि पोस्ट पे भी हैं बच्चे, वो भी ये सेवा कर रहे थे। और देखो हम अब ऊपर को जा रहे हैं जहाँ मतलब भजन कीर्तन भी हो रहे थे, बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, कितनी सुंदर डेकोरेशन लग रही है। और काफ़ी रश था, बहुत भीड़ थी और लंगर की भी बहुत अच्छी सुविधा थी, देखिए काफ़ी गैदरिंग हो गई थी। लेकिन ये है कि आप गुरुद्वारे में जा रहे हो, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है, लेकिन आपको सर जरूर ढकना है, आपका सर नहीं उघड़ना चाहिए कोई भी हो चाहे वो, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि सिर पे कपड़ा होना चाहिए गुरुद्वारे में। ये देखो आप देखोगे लेडीज़ और जेंट्स जो बच्चे भी हैं उनके भी सिर पे रखा हुआ है, या तो पगड़ी पहनी हुई है या चुन्नी ढकी हुई है, ये रुमाल ढको कुछ भी करो, लेकिन ये नहीं है कि केवल सिखी लोग जाएंगे या पंजाबी लोग ही जाएंगे, कोई भी जा सकता है। तो काफ़ी लोग तो हिंदू ही बहुत जुड़े हुए होते हैं गुरुद्वारे से। और देखिए मैंने यहाँ माथा भी टेका, और जब मैं शूट कर रही थी तो किसी ने कहा कि आप ना अच्छे तरीके से शूट करो, आप इधर को करो इधर से अच्छा आएगा। तो देखो सबको पता चल जाता है कि हाथ में भैया है ट्राईपॉड है, तो ये मतलब कुछ शूट कर रही हैं इस वजह से। पर बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब वो जो गा रहे थे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अंदर तक, मतलब काफ़ी देर मैं अकेली ही गई थी, बैठी रही मैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
सुनने में भी बहुत अच्छा लगा, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगा, और आप भी सुनना, मतलब जो बहुत ही मतलब बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। और ये ओपीडी है गुरुद्वारे की, यहाँ बैठता है बेटा, और आज वो आया नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। काफ़ी बड़ी ओपीडी है, और काफ़ी मतलब जैसे चैम्बर से बने हुए हैं, उसका भी एक चैम्बर है कि वो उसमें बैठता है, देखता है, जैसे पेशेंट आते हैं, देखो सामने से जो जीना बना हुआ है, यहाँ से पेशेंट आते हैं। और मैं फिर अंदर आ रही थी तो जो गुरुद्वारे के हैं, शमशेर हैं, जो मतलब ओनर हैं, तो वो उन्होंने ही हमको दिया था। आप आओ, सर फेस तो दिख रहा है, सर फेस तो दिख रहा है, कल मिले थे वो मोटरसाइकिल में थे। मैम थोड़ा सा कैसे था? शुरुआत यहीं से करिए सर। भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगे। हां बस एंट्री में नंबर आ रहा है, जरूर आएगा, जरूर आएगा। मैं भी तो है और जिंदगी की तेयों की सुनो अच्छी होती है, भी सीर और सब की सीर भी थी। हां चलो अच्छा लगे देगा प्रसाद की, आप बाहर से लीजिएगा। और हमने इनका भी फ़ोटो ले लिया कि जी हम भी YouTube पे आएंगे, हमने इनका भी ले लिया। देखो एक और आए थे, ये भी डॉक्टर हैं, इनको भी ये मतलब अवार्ड मिला था। काफ़ी लोग थे जिनको जो मतलब OPD में सेवा देते हैं, तो उनको मिले थे, सबको मिले थे, और इनको भी मिला है। वैसे ज़्यादातर डेंटिस्ट हैं, और देखो यहाँ सब बढ़िया हलवे का प्रसाद मिल रहा है। और हम फिर इसके बाद में अंदर गए, और हमने फिर थोड़ी देर के लिए बैठे थे, हमने भजन कीर्तन सुने थे, और यहाँ हाथ भी प्रसाद दिया जा रहा था, उसके बाद में लंगर खाया हम, और यहाँ प्रसाद मिल रहा था। इसके बाद में हम फिर गुरुद्वारे में चले गए, काफ़ी देर में बैठ गए। आप अब सुनिए, बहुत अच्छा लगा। और हम अंदर से गुरुद्वारे में से अंदर से आ गए, फिर हमने यह हलवा का प्रसाद लिया, फिर हम लंगर के लिए गए। अब आपको दिखाएंगे वहाँ कितनी भीड़ थी,
बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन जितनी भीड़ थी उतनी ही सुख सुविधाएँ थी। थोड़ा सा हमने हलवा फिर हम यहाँ खा लिया था और देखिए सबको दे रहे थे। देखो ये भी सेवा है। और एक कैंप भी बना हुआ था कि आप शुगर टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं आप, मतलब ये, और फिर जैसे ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं, तो वो भी सुख सुविधाएं भी थी। ये कैंप लगा हुआ था, एरा ब्लड डोनेशन कैंप भी देखो ये लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ये। और देखो सब पानी की सुविधा, पानी के गिलास थे, सब थी फैसिलिटी। और देखो ये रहा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है लंगर, लंगर हाउस है ये, लंगर हॉल है ये। देखिए कितना बड़ा है। और ये रूट कोई कवर कर रखा था और टेंट लगा के कवर किया था। काफ़ी गैदरिंग थी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, भीड़ ही भीड़ थी। और सबके ये भी आप देखोगे तो सबका सिर ढका हुआ है। ये भी आप देखो जरा ध्यान से देखोगे ना तो किसी का ऐसा नहीं है कि सिर पे से कपड़ा हटा हुआ है, सब ने ढका हुआ है। चाहे बच्चा है वो, चाहे जेंट्स है, चाहे वो लेडीज़ है, कोई भी है, सबका सिर ढका हुआ है रुमाल बांधे हुए। और देखो जो सेवा कर रहे हैं उनका भी। और देखो मेरे को यहाँ जगह मिल गई तो मैं यहीं बैठ गई थी, तो बल्कि एक मेरे को छोटा सा बच्चा लेके आया था प्लेट। बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब छोटेपन से ही सेवा भाव सिखाते हैं अपने बच्चों को। ये चीज़ मेरे को दिल को छू गई। एक छोटे से बच्चे ने प्लेट ला के दी देखो, और बाल्टियों में सामान कर कर के, भाई जैसे दाल थी, आलू मटर की सब्जी थी, खीर थी, सलाद था, और चावल है, और जैसे रोटी नहीं बोलते प्रसादी, रोटी को प्रसादी बोलते कि प्रसादी देना ऐसे करके। और फिर आपको मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है प्लेट में, और फिर खुद ही प्लेट उठानी है। और बहुत बड़े इसके कट्टे का ऐसा बना रखा था बड़ा सा, वो भी मैंने वैसे थोड़ी सी उसकी क्लिप ली है कि उसमें जाके वहाँ डाल दो। देखो इस तरीके से बच्चा लेके आया, ये बाबूला है छोटा सा। और देखो धीरे धीरे मेरे पास प्लेट आ गई तो सब खाना देना शुरू हो गया। देखो ये पूछ रहे कि आपका चैनल है, उनका पाजी है नाम से चैनल है, सब पूछ रहे थे ट्राइपॉड को देख के, तो सब पूछने लगते हैं। और देखिए खाने में ये रहा चावल है, और रोटी है, आलू मटर की सब्जी, खीर है। और देखो इस तरह से कट्टे का बना हुआ था, तो इसमें आप प्लेट फेंके खुद जाएँ, अपनी प्लेट को खुद उठाएं, और पानी के गिलास थे। और देखिए इतने मतलब यहाँ बन रहा था खाना, देखो इतनी मतलब नान थी, कितनी तो मतलब जिसमें तंदूर थे, मतलब 1 2 3 4 5 तो तंदूरी तंदूर थे। ये लोइयाँ बना बना के रखी हुई थी और इनको फिर सेके जा रहे थे काफ़ी। ये देखो ये गिलास के हैं, ये जो कंटेनर ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रही, गिलास के कंटेनर है। और मैंने तो कभी लाइफ में इतना बड़ा भगोना देखा ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा भगोना मतलब ताजुब है, मतलब इतना बड़ा भगोना, क्योंकि जब देखो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो बड़े ही बर्तन चाहिए, बहुत बड़ा। मैं आपको आपके दिखाऊंगी जिसमें खीर और दाल थी और ये आलू मटर की सब्जी थी, काफ़ी बड़ा भगोना था। और देखो जलेबियाँ भी बन रही हैं, मुझे लगे ये दोपहर बाद मिलेंगी। और चाय की भी सुविधा थी, देखिए इसमें तो खीर बनी रखी, कितना बड़ा भगोना है। और देखो इसमें भी खीर है, देखिए कितने बड़े बड़े भगोने हैं, और इससे भी एक बड़ा भगोना है। और देखिए यहाँ जलेबी उतर रही हैं, और ये चाशनी में भिगोई जा रही हैं। और ये देखिए यहाँ मतलब ये रोटी निकल गई इसमें से भैया, मैंने इनसे पूछा भी था, अभी गर्म हो रहा है तो अभी नहीं रोटी बन रही है, बना के रखी हुई थी उन्होंने। देखिए कितना बड़ा भगोना है गाइस, तुमने कभी देखा है? मैंने तो देखा ही नहीं इतना बड़ा भगोना, जिसमें दाल बनी हुई, आलू मटर की सब्जी थी। और देखियो अब मैं वहाँ से वापसी आ गई तो मैंने अपनी चप्पलें ली, फिर चप्पलें लेके फिर पहन के फिर मैं ऑटो से ही आ गई थी। मैंने कहा अब क्या बेटी को दुखी करूँ, मैं अपने आप ही आ जाती हूँ। फिर मैं ऑटो से आ गई थी, बस ये था कि गिफ्ट में क्या है, गिफ्ट में क्या है, पर मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने भी उसकी अवार्ड की जो वीडियो बना के बेटे को सेंड कर दी थी, उसको भी लग रही थी कि मम्मी क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा नहीं बेटा मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं ठीक हूँ। और मैं फिर घर आ गई थी,
हाय गाइस, देखो मैं आ गई हूँ और बेटे को ये मिला है, आपने देखा होगा, और ये गिफ्ट मिला है। अब इसमें देखती हूँ कि है क्या ये, और बहुत अच्छा लगा जब गिफ्ट मिला तो वाकई मन मतलब बहुत खुश हुआ, आंखों में आंसू भी आ गए कि देखो ये मतलब मिला है उसको जो वो वहाँ सेवा कर रहा था। अभी दिखाती हूँ क्या ये मिला है, क्या है ये, है ना, देखिए जरा। और ये स्पीकर मिला है गाइस, देखिए। हाय गाइस, अब हम वहाँ से आ गए हैं और आपको भी हमने गिफ्ट दिखाया, ये मिला है देखिए, स्पीकर अच्छा है ये, और साथ में ये शील मिली है। और आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूँगी और ऐसे ही प्यारे प्यारे आपको ब्लॉग लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।